गुड मॉर्निंग किड्स. सो बेटा, इन प्रीवियस क्लास वी लर्न्ड अबाउट ईटिंग टुगेदर. हमने जाना कि कहाँ कहाँ पे और किस टाइमिंग पे हम एक साथ बैठ करके अपना फूड इंजॉय करते हैं. नाउ अब किस किस ओकेज़न पे हम ऐसा करते हैं, लेट्स सी. कुछ स्पेशल ओकेज़न होते हैं जिसमें अगर सभी पूरी फैमिली मेम्बर्स एक साथ नहीं इकट्ठा हो पाते हैं, तो कुछ कुछ ओकेज़न ऐसे होते हैं जिस पे हम साथ में बैठ के एक साथ खाना खाते हैं. ओके, सो लेट्स सी, कम टू द पेज नंबर 19, क्लास 4, ईवीएस, पेज नंबर 19. एंड आवर टॉपिक इज़ ईटिंग ऑन स्पेशल ओकेज़न. यानी कि कोई स्पेशल ओकेज़न हुआ, कोई ऐसा टाइम आया जिस पे हम साथ में बैठ करके अपना फूड इंजॉय कर रहे हैं. बेटा, वो ओकेज़न्स कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे किसी दिन कुछ स्पेशल हो, किसी का बर्थडे हो फैमिली में, या किसी की एनिवर्सरी हो, या फिर कुछ बहुत अच्छा हुआ हो उस दिन. तो इस तरह के जो ओकेज़न होते हैं, समय होता है, टाइम होता है कि हाँ आज हम सब साथ में बैठ के एक साथ लंच करेंगे या डिनर करेंगे. So here, put your fingers in that manner and you have to read in that way, okay? Now, Shreya and her family get together with other relatives and friends on the special occasions. Yes, जब भी कुछ special occasion रहता है, तो Shreya और जो उसकी family है, उनका get together होता है, उनके relatives के साथ. Get together means बेटा, जैसे कि मान लो आपकी family में 4 members हैं और आपके एक और कोई relative हैं, वो भी आ जाते हैं आपके घर पे, देन आप लोग एक लंच या फिर डिनर प्लान करते हो कि आज हम साथ में बैठ के लंच करेंगे या फिर डिनर करेंगे. तो वो क्या होता है बेटा, एक गेट टू गेदर होता है. ओके, एक छोटा सा छोटी सी मीटिंग हो जाती है, इसको हम बोलते हैं गेट टू गेदर. देन दे ईट टुगेदर, एक साथ बैठ के वो लोग इंजॉय करते हैं अपना फूड. दिस स्पेशल ओकेजन्स आर फैमिली सेलिब्रेशंस लाइक एनिवर्सरी, बर्थडेज, कम्युनिटी celebrations like festivals or things like picnics or feast in restaurants. Yes, या तो कुछ special हुआ तो हम बोलते हैं ना आज हम बाहर खाना खाने जाएंगे, तो वो restaurants में जाते हैं ना हम. Yes, तो पूरी family साथ में जाती है, then हम बाहर जाके कोई day आपका special रहता है तो आप enjoy करते हो, restaurant में आप लोग feast यानी कि कुछ खाते हो. तो इस तरह से eating on special occasion, जब भी कुछ family में special होता है तो हम, अगर हम बाहर भी नहीं जाते तो कोई बात नहीं, पूरी फैमिली एक साथ बैठ के लंच या डिनर इन्जॉय तो कर रही है ना, तो वो ओकेजन्स जो होते हैं हम एक साथ बैठ के सेलिब्रेट करते हैं, इन्जॉय करते हैं अपना फूड. ओके, नाउ हियर एट पेज नंबर 20 यू कैन सी द पिक्चर्स. फर्स्ट वन अबाउट पिकनिक, सेकेंड वन अबाउट बर्थडे, एंड दिस वन अबाउट एनिवर्सरी. यू कैन सी दिस पिक्चर्स एट पेज नंबर 20. सो बेटा, अगर आप पिकनिक जाते हो तो आप पिकनिक के अकेले जाते हो? नहीं, आपकी फैमिली जाती है और आपके अगर रिलेटिव्स भी साथ में जाते हैं तो वो लोग भी जाते हैं, देन आप वहाँ पर भी साथ में आप लंच या डिनर करते हो ना, या फिर कुछ फीस लेते हो. देन बर्थडे, अब बर्थडेज होते हैं तो हम इन्वाइट भी तो करते हैं हमारे रिलेटिव्स को, करते हो? आपके बर्थडे पे भी हम रिलेटिव्स को या फिर अपनी ही जो फैमिली रहती है उस दिन स्पेशल डिनर करते हैं हम सब साथ में बैठ के करते हैं. और एनिवर्सरी होती है तो हम एनिवर्सरी में या तो हम घर पे सेलिब्रेट करते हैं या तो रेस्टोरेंट, इसमें रेस्टोरेंट का पिक्चर दिया हुआ है. सो इस तरह से हम इंजॉय करते हैं. सो हियर, ईटिंग टुगेदर एट स्पेशल ओकेजन्स इज़ फन. जब सब साथ में होते हैं तो ऑब्वियसली बात है बेटा, हमको बहुत अच्छा लगता है और हम बहुत इंजॉय करते हैं ना इंजॉय. येस, वी ईट फूड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड नोन एज क्यूजिन्स. येस, हम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि जहाँ पर भी हम जाते हैं, जब भी हम कहीं भी जाते हैं तो वहाँ पर जो भी भोजन होता है हम वो इंजॉय करते हैं. तो बेटा उसको क्या बोलते हैं हम? क्यूजिन्स. क्यूजिन्स जो भोजन होता है वहाँ का, उसे हम बोलते हैं क्यूजिन्स. और वो अलग अलग कंट्रीज़ का अलग अलग होता है, अलग अलग स्टेट का अलग अलग होता है, तो वो वहाँ का भोजन होता है. ठीक है. नाउ फॉर फेस्टिवल्स एंड स्मॉल फैमिली फंक्शंस द फैमिली मेम्बर्स गेट टुगेदर टू प्रिपेयर स्पेशल डिशेस. और जब गेट टुगेदर होता है, जैसा कि मैम ने बताया कि एक मीटिंग होती है, मतलब एक घर वालों का मिलना हो पाता है, मिलना जुलना होता है, उसे हम बोलते हैं गेट टुगेदर. एक फैमिली गेट टुगेदर होना,
मीन्स फैमिली के मेंबर्स अगर साथ में नहीं रहते हैं तो उस दिन ओकेज़न, उस ओकेज़न पे या फिर कुछ भी स्पेशल रहता है तो हम मिलते हैं साथ में, तो डिशेस भी होती है सबकी इच्छा के अनुसार, जिसको जो भी पसंद आता है वो बनाया जाता है। इट इज़ सो मच फन एज एवरी वन वर्क्स टुगेदर। पर जब पूरी फैमिली साथ में होती है तो हम साथ में खाते भी हैं और बनाते भी हैं। तो इस पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है बेटा कि पापा मम्मा और बच्चे सब एक दूसरे की हेल्प भी कर रहे हैं और साथ में फिर इन्जॉय भी करेंगे। तो इस तरह से जब हम पूरी फैमिली हमारी साथ में रहती है, यानी कि हमारा जो गेट टुगेदर होता है, तो हम एक दूसरे की हेल्प भी करते हैं और इन्जॉय भी करते हैं। ओके नाउ टेल मी बेटा, आपकी फैमिली का गेट टुगेदर लास्ट टाइम कब हुआ था, याद है आपको? आपको मम्मा से शेयर करना है ये। ओके कि लास्ट टाइम हमारा फैमिली, यानी कि हम हमारे रिलेटिव्स या फिर जो भी हमारी फैमिली है उनसे हम कब मिले थे, या फिर हमने कब कुछ कोई फेस्टिवल या फिर कुछ हमने इन्जॉय किया था, सेलिब्रेट किया था। ओके आपको ऐसी कोई चीज़ आपको मम्मा को या फिर पापा को बतानी है, उनके साथ शेयर करना है, ठीक है? ओके सो बेटा नाउ टेल मी, हैव यू कुक्ड एनीथिंग, कभी आपने कुछ बनाया है? येस, ईटिंग टुगेदर, जैसा कि फैमिली गेट टुगेदर होता है तो सब एक साथ एक दूसरे की हेल्प करते हैं ना, आप लोग भी करते होंगे, लेकिन क्या कभी आपने कुछ अपने हाथों से कुछ बनाया है? येस, हमेशा तो मम्मा बनाती हैं ना, तो क्या आपने कभी मम्मा के लिए कुछ बनाया है? तो आपको भी मम्मा के लिए कुछ बनाना है, अब क्या बनाना है, लेट्स सी। तो बेटा सबसे इजी कुछ बनाते हैं, सबसे इजी तो सैंडविच बनाए, ठीक है? तो सैंडविच आपको बनाना है और आपकी मम्मा के लिए बनाना है। ओके सो ऑल द बेस्ट। एंड स्टूडेंट वन मोर थिंग बेटा, आपको इस जो भी आप मम्मा के लिए सैंडविच बना रहे हो तो आपको गैस के पास नहीं जाना है, ठीक है? और मम्मा की हेल्प लेनी है, मम्मा के साथ ही आपको ये सैंडविच जो भी है आपको मम्मा के लिए बनाना है। ओके अकेले नहीं जाना है किचन में, ओके विद द हेल्प ऑफ मम्मा। ओके देयर आर सम बेसिक इंग्रेडिएंट्स लाइक ब्रेड, चाट मसाला, ब्लैक पेपर, बटर, टोमेटो, कुकुम्बर, ओनियन, देन टोमेटो सॉस, फिर चिली सॉस, मेयोनीज, कोरिएंडर लीव्स, रेड चिली पाउडर एंड सॉल्ट। स्टार्ट विद द ब्रेड, फर्स्ट वी स्प्रेड द बटर ऑन द ब्रेड। Then we spread mayonnaise. Let me tell you the benefits of using mayonnaise. It keeps your hair healthy and it can help us to treat chapped and rough skin. Zaruri, it controls our sugar level. Hum is pe ketchup laga denge, tomato ketchup. Now we spread the chili sauce. Fresh veggies, it controls our sugar level and contain vitamin and mineral in large quantity. Now we take 2 slices of cucumber and then we take 2 slices of tomato and then we take 2 sub slices of onion. And now we sprinkle red chili powder and salt. And then chaat masala.
एंड ब्लैक पेपर एंड देन कोरिएंडर लीव्स एंड यस दैट्स इट टू फ्लैट स्लाइस ऑफ ब्रेड ऑन इट. Thanks friend for giving the view. Please like, comment below and subscribe. Bye.